अगर आप उसे एक्शन मूवी बना रहे हो तो उसमें स्टोरी तो चाहिए ही चाहिए। जब तक स्टोरी नहीं होगी तब तक। हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू द देसी धुन रिएक्ट्स। मैं हूं निखिल और मैं हूं सचिन। तो गाइस फाइनली 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 पठान का ट्रेलर आ चुका है भाई, जिसका बेसब्री से इंतजार था। और ये काफी कंट्रोवर्शियल मूवी है, पता है आपको। तो अभी ट्रेलर आ चुका है, देखते हैं साथ में और इसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। हाँ, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। यस, चलो भाई चला दो। अच्छा, ये इन्होंने पोस्ट भी किया भाई, जॉन है ना। आउटफिट एक्स, एक प्राइवेट टेरर ग्रुप जो किसी मकसद के लिए नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। पहले जॉन ग्राहम क्या लगता था धूम टाइम, जब वो बड़े बड़े बाल रखता था। उस टाइम पे बहुत जॉन बहुत फेमस था यार, बहुत फेमस था। अब तो पता नहीं क्यों बेचारे मूवी नहीं चल रही है, मूवीज ही नहीं चलती, पता नहीं क्यों नहीं चलती। वैसे हम देखा नहीं, हमने अभी जितने भी मूवीज इसने किए हैं हमने देखा नहीं है। अटैक मूवी शायद अच्छी मूवी है, मैंने सुना है कि अटैक अच्छी मूवी है। एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। Any time starts. अरे इसमें ये भी है क्या, आशुतोष राणा यार, इस वार में भी थे, ये वार में भी कनेक्शन है भाई, कुछ तो है वार से और इससे कनेक्शन है। स्पाई यूनिवर्स से तो कनेक्शन होगा ही। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। तो अब पठान के बनवास ऐसा ही शॉट वार में था ना, दिल्ली का सीन था। पठान के घर पे रखोगे? नवाजी के लिए पठान तो आया। यार वो क्या सीन था ना, पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मैं वहां नवाजी के लिए पठान तो आया। और पटाखे भी लाएगा। सोल्जर हूं पठान, तुम्हारी तरह हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आई यू इन और आई यू आउट? नेक्स्ट लेवल एक्शन पठान, हंटर हंटेड। यार ये सीन ना एक बार फिर से देखना चाहूंगा। जय हिंद। साउंड से कॉम फैलकॉन, हाँ फैलकॉन टाइप यार। ये मैंने देख, ये सीन तो देखा हुआ है हॉलीवुड में, मतलब है ये वही से इंस्पायर्ड है। वही से इंस्पायर्ड है, साउ में भी ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ है ना, पता नहीं। साउ तो देखी नहीं हमने। अरे नहीं, पर सीन देखा है ना हमने। अच्छा, ओ भाई, ओ नहीं, ये सब सीन तो मैंने देखी हुई है भाई, हॉलीवुड में मैंने देखी है। पता नहीं कौन सी मूवी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन देखी है सीन। कैसा था ट्रेलर? ट्रेलर यार अच्छा है, मतलब फुल एक्शन बाजी, फुल एक्शन। और जहां तक कि ये है कि मतलब
थोड़ा स्टोरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम. स्टोरी तो बड़ा बेसिक था यार इसमें, वही टेररिस्ट वाला जो ऐसे मूवीज में होते हैं, जैसे स्पाई मूवी होते हैं, जैसे एक था टाइगर हो गया, वॉर हो गया, पर वॉर में कुछ सस्पेंस था है ना. अगर वैसा कुछ होगा तो फिर सही है, वरना वही बेसिक्स बेसिक रही स्टोरी तो मतलब चलना मुश्किल है मूवी मूवी का चलना. और अगर इस मूवी में अगर ऋतिक रोशन का पार्ट हो तो फिर तो हमें देखना पड़ेगा. इसमें सुनने में आ रहा है कि सलमान खान का कैमियो हो भाई. सलमान का? हाँ चलो, तो सलमान के फैंस जाएंगे देखने. नहीं भाई, सलमान खान शाहरुख खान को एक साथ देखना बहुत बड़ी बात है भाई. वो तो देख लेते यार, कहीं भी देख लेते हैं इवेंट वगैरह पे. अरे नहीं, मूवी में भाई, मूवी में साथ में एक्शन कर रहे होंगे यार. सोचो कैसा लगेगा. तो बात की बात है, लेकिन भाई ऋतिक होता तो अलग ही बात होती. हाँ ऋतिक की तो बात ठीक है, शाहरुख सलमान में फेमस है ऐसी बात नहीं है, लोग देखना चाहते हैं. लेकिन मैं तो भाई ऋतिक का फैन हूँ ना, तो मतलब मैं तो वही देखना चाहूंगा. तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो मैं देखने जाऊंगा अगर वो होगा. 100% भाई, मूवी चले या ना चले, अच्छी रहे या ना रहे, तो कोई नहीं रोक सकता. हम तो देखने जाएंगे अगर ऋतिक होगा तो. अगर ये मूवी अच्छी चली, बढ़िया रहा, IMDb अच्छा रहा, तो मैं भी जाऊंगा. रेटिंग वगैरह बढ़िया रहा, रिव्यू अच्छे रहे, तो जाएंगे ही देखने. बाकी इसमें एक्शन एक्शन दिख रहा है, एक्शन ही दिख रहा है मतलब. लेकिन बहुत तगड़े वाले एक्शन है, स्टोरी बेसिक है काफी, बहुत सही सही वो है, शॉट्स हैं, सीन्स बहुत तगड़े हैं, विजुअल्स बहुत सही हैं, VFX बहुत सही है, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. सबका लुक बहुत सही है. शाहरुख खान का देख लो भाई, 57 की एज में ऐसा दिख रहा है शाहरुख खान. क्या चाहिए और क्या चाहिए आपको. जॉन अब्राहम भी काफी अच्छा दिख रहा है, मतलब उसकी भी एज हो गई है बंदा, लेकिन अच्छा दिखता है, अभी भी बढ़िया है. और दीपिका भी एक्शन कर रही है, मतलब अच्छी मूवी जा सकती है, हो सकती अगर स्टोरी अच्छी रही तो जाएगी अच्छी. मतलब लोग देखो एक्शन तो देखते ही है, देखते हैं, लेकिन साथ में स्टोरी भी देखते हैं. सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ एक मूवी में, हर एक चीज चाहिए होता है, सिर्फ मतलब स्टोरी या एक्शन नहीं. अगर आप उसे एक्शन मूवी बना रहे हो तो उसमें स्टोरी तो चाहिए ही चाहिए. जब तक स्टोरी नहीं होगी तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी. फिर वो एक्शन वैक्शन देखने में ना लोग बोर हो जाते हैं. हॉलीवुड मूवी देख लेंगे. एक्शन मूवी देखना होगा तो हॉलीवुड मूवीज देख. इसमें एक सीन है जो हॉलीवुड से मतलब कॉपी नहीं बोल सकते, इंस्पायर्ड है, लेकिन बढ़िया है. हॉलीवुड वाले भी तो आपस में हर जगह से उठाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं यार. फैल्कॉन से उठाया है हॉलीवुड में, जो तुम बोल रहे थे किस मूवी में दिखाया गया ऐसा. ड्यून में हाँ, ड्यून में भी कुछ मैंने देखा था, पता नहीं मुझे याद नहीं यार उस मूवी का, लेकिन मैंने देखा था. बाकी मूवी तो ट्रेलर से तो मूवी अच्छी लग रही है यार. हाँ मस्त जोरदार है, भरपूर एक्शन है. जैसे फैंस को चाहिए था शाहरुख खान के फैंस को, वैसी वाली है. क्योंकि शाहरुख खान बहुत दिन हो गया था उसे ऐसी मूवी किए हो. लास्ट मूवी कौन सी थी जिसमें भरपूर एक्शन हो? डॉन नहीं यार, चेन्नई एक्सप्रेस नहीं यार, वो उसमें क्या एक्शन है यार. ऐसे जिसमें शाहरुख खान बिल्कुल डेडली दिख रहा हो, डेडली लुक हो. हाँ डॉन टू. हाँ डॉन टू में किया था, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे कर रहा है, तो लोग तो देख नहीं जाएंगे भाई. और बाकी मूवी अच्छी होगी तो भाई भरपूर पैसा कमाएगी. सही बात, 300 करोड़ का बजट है ना मूवी का, सिद्धार्थ आनंद. लेकिन ये मतलब ये है कि थोड़ा बहुत मतलब वॉर से वो है एक्शन, जैसे बर्फ में वो. हाँ वॉर में जैसे बर्फ का सीन था तो इसमें भी रखा है बर्फ पे एक्शन करना. और थोड़ा बहुत उसमें था बाइक वाला सीन लग रहा है हेलीकॉप्टर से, तो वो भी इसमें भी डाला है. बाइक वाला सीन भी वॉर में है और इसमें भी है. नहीं वो तो खैर देखो, देखा जाए तो एक्शन अगर डालेंगे किसी भी मूवी में तो ये सब सीन तो डालना ही डालना है. मतलब बाइक या बाइक पे एक्शन करना ऐसे, मतलब ये तो मूवी में डालते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे वॉर से थोड़ा सा वॉर लग रहा है. क्योंकि एक्शन मतलब क्योंकि डायरेक्टर सेम है ना, तो वो एक चीज मैंने नोटिस किया एक्शन के टाइम ना, इसमें बहुत ज्यादा कट्स थे, बहुत कट्स थे, हद से ज्यादा कट्स थे. तो मूवी में ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ना एक्शन में थोड़ा सा रॉ दिखना चाहिए. हाँ
थोड़ा रॉ रहे ना, ज्यादा कट्स ना हो ना, तो मजा आता है, मजा आता है देखने में। जैसे वॉर में टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ का सीन था भाई, वो जो स्टार्टिंग का वो एक्शन सीन था वो भाई वन शॉट, वन टेक में उसने दिया था, और काफी सही था वो। हाँ मतलब मान सकते हैं भाई टाइगर को, अच्छा दिया था उसने। तो ऐसा एक्शन नहीं आती बस, हाँ एक्टिंग नहीं आती उसको, बाकी कोई नहीं यार, अच्छा वो भी एक्टर अच्छा है, सीख जाएगा एक्टिंग भी धीरे धीरे। बाकी बहुत सी चीजें वो खुद करता है यार, मतलब खुद से करना एक बहुत बड़ी बात है, एक्शन वगैरह खुद से करना बहुत बड़ी बात है, बस उसे एक्टिंग पे ध्यान देना है। चलो वो तो बात रही टाइगर की, लेकिन अभी पठान की बात करते हैं। पठान तो यार देखो, बात ये कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए बस, एक्शन तो मतलब देख लिया हमने ट्रेलर में, और इससे भी अच्छा एक्शन जाने वाला है मूवी में भी। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब कुछ भी नहीं दिखा है। सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन है तो इसका मतलब भाई नेक्स्ट लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल, बैंग बैंग देख लो, वॉर देख लो, ये देखो, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो गाइज ये रहा हमारा आज का रिएक्शन वीडियो पठान पे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और भाई शाहरुख खान के जितने भी फैंस है क्या कर रहे हो यार, वीडियो को फैलाओ यार। शाहरुख खान के हम भी फैन है, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही होता है ना, सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है यार। हाँ तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।